रिया से आज फिर सीबीआई की पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सवाल जवाब का दौर। मुंबई पुलिस की सुरक्षा में आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची रिया, सीबीआई के कहने पर मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी सुरक्षा से तैनात की गई मुंबई पुलिस, महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद। रिया का भाई शौविक भी पहुंचा डीआरडीओ गेस्ट हाउस, सीबीआई पहले भी कर चुकी है पूछताछ। सैमुअल, नीरज और सिद्धार्थ से भी आज सीबीआई की फिर पूछताछ, एक एक करके सभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल भी रिया से हुई थी पूछताछ, 9 घंटे तक हुए थे सवाल। सीबीआई ने सख्ती से की पूछताछ, 8 जून को घर छोड़ने और सुशांत से रिश्तों के बारे में पूछे गए सवाल। सीबीआई की एसआईटी के एसपी ने रिया चक्रवर्ती से की पूछताछ, यूरोप टूर से लेकर डिप्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने पर सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन पर भी पूछे गए सवाल, 8 जून को घर जोड़ने के पहले हार्ड ड्राइव नष्ट करने को लेकर भी सवाल। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इंटरव्यू को बताया खोलने वाला, किया ट्वीट, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए अब और इंतजार नहीं। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे परिवार समेत कोरोना संक्रमित, डीसीपी त्रिमुखे ने रिया चक्रवर्ती से की पूछताछ, अब सीबीआई त्रिमुखे से करने वाली थी पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने, पिछले साल जुलाई अगस्त की है बातचीत। एक चैट में रिया सैमुअल मिरांडा से स्टफ को लेकर बात कर रही है, अशोक को फोन करने को कहती है। एक चैट में रिया डूबी की जरूरत बताती है, चैट ग्रुप में सुशांत का स्टाफ कहता है रोलिंग। रिया के साथ चैट में सिद्धार्थ पिठानी और आयुष भी शामिल, शोविक से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का रोडमैप तैयार, मुंबई से दुबई तक ड्रग्स कनेक्शन खंगालेगी जांच एजेंसी। ईडी ने गौरव आर्या के गोवा के होटल में चिपकाया नोटिस, 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। सामने आई गौरव आर्या की तस्वीर, रिया और जया साहा के व्हाट्सएप चैट में आया था नाम। टैलेंट मैनेजर जया साहा से ईडी की पूछताछ, सुशांत को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से जया का इनकार। जया साहा ने ईडी को दी जानकारी, कहा सुशांत ने किया था संपर्क, बताई थी डिप्रेशन की बात। बीजेपी नेता राम कदम ने फिर किया सवाल, क्या रिया और उद्धव सरकार की सांठगांठ, सीबीआई जांच के बाद मुंबई पुलिस के दफ्तर क्यों गई रिया? के रूप में महाराष्ट्र सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास, बीजेपी एंगल। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने फिल्म मेकर संदीप सिंह का बीजेपी से जोड़ा कनेक्शन किया सवाल, महाराष्ट्र बीजेपी दफ्तर में 53 बार क्यों किया फोन? भारतीय जनता पार्टी और संदीप सिंह का बहुत ही गहरा रिश्ता है, बायोपिक पूरे देश भर में एक ही निकलने वाला है, उसका जो निर्माण है ऐसी व्यक्ति नहीं करती वो कोई भी। रिया के आरोपों पर अभिनेत्री संजना सांघी का कुछ भी बोलने से इनकार, रिया ने कहा था मीटू की अफवाहों पर चुप्पी से सुशांत थे परेशान।